कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा ने कल ऊपरी सदन में हरियाणा राज्यसभा चुनाव में हुई धांधली का मामला उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। उनसे बात की हमारे संवाददाता अमर सिंह ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शादीलाल बत्रा जी हमारे साथ हैं। बत्रा साहब, आपने जो राज्यसभा में मुद्दे उठाए वो क्या था और क्या चाहते हैं आप? मैंने उठाया था कि पिछले दिनों राज्यसभा का चुनाव हरियाणा से हुआ था, वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने कराया था, 2 सीटें थी और उनके लिए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर भी या जो जो सारे इंतजाम है वो कर लिए थे। वोट पोल हो गए, वोट 13 वोट इस बात पे कैंसिल हो गए कि पेन की स्याही में फ़र्क है और वो कहते हैं कि ये पेन 2 थे, एक में ये इतने आदमी ने लगाया है और एक से इतने आदमी ने मार्क किया है। सवाल उठता है कि पेन कहाँ से आए, जो MLA गए उनको पेन ले जाना और अपना मोबाइल ले जाना वर्जित था, ठीक है। अंदर 2 पेन पहुंच गए, किसी को शक भी नहीं था, किसी को सोच भी नहीं थी कि ये 2 पेन अलग अलग हो सकते हैं। जो गया जो पेन पड़ा था उसे मार्क कर दिया। बाद में रिजल्ट ये आया कि ये पेन दोनों के फ़र्क है और दोनों की सही का फ़र्क है ये है। एक प्रश्न उठता है कि इलेक्शन कमीशन या उसके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन करा रहे थे, पेन भी सप्लाई उन्होंने किया था, उसकी सुरक्षा भी उन्होंने करनी थी और सारा जो देखभाल है उनकी थी, उनकी देखभाल में अगर ये पेन चेंज हुआ है तो ये क्या जानबूझ के दूसरा पेन रखा गया है या कौन लाया है ये कौन? और फिर इसमें एक होता है कि जो 2 पेन थे उसमें ऑफिशियल कौन सा था और जो गैर कानूनी तरीके से अंदर लाया गया वो कौन सा था? वो 13 क्यों कैंसिल हुए, वो बाकी क्यों नहीं कैंसिल हुए? बाकी तो सवाल इतने हैं कि ये निर्णय कैसे पहुंचेगा? इतने दिन हो गए और अभी तक इंक्वायरी चल रही है। ये ऐसा काम हुआ है कि जो हमारे प्रजातंत्र में कठोरा कहा था, इससे फालतू प्रजातंत्र का माहौल उड़ाया नहीं जा सकता, इससे फालतू उसके ऊपर कोई ऐसा आघात किया नहीं जा सकता कि एक आदमी MLA लेवल का वोट देने जाए और उसको कहें कि आपके वोट की स्याही अलग है। किससे अलग है? आपने कौन सा पेन घोषित किया था कि ये है और वो पेन कहाँ गया? वो इंक्वायरी किसने करनी थी, वो किसके पास रखा जाना चाहिए था और ये दूसरा पेन कहाँ से आ गया? तो मैंने कल इंक्वायरी मांगी है कि CBI की इंक्वायरी की जाए और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि आने वाले टाइम में प्रजातंत्र के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो।